Good morning, everyone. Today we are going to cover a very important topic from the domain of energy, and the name of the topic is green hydrogen policy. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि हमने एक हाइड्रोजन को लेके ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी फॉर्मुलेट करी है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एनर्जी की डोमेन में है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनर्जी डोमेन या एनर्जी सेक्टर. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू रियलाइज वन थिंग, विद द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, with the growing industrialization, the demand of energy is increasing day by day, and this demand of energy is increasing majorly in the developing nations, jaise India, China, Brazil, Pakistan, Bangladesh aur ye anya rashtra hain jahan pe over a period of time population explosion hua hai aur ab ye urbanization ki taraf bhag rahe hain, industrialization ki taraf bhag rahe hain aur apne ko developed nation ghoshit karna chahte hain, to inki energy ki bhi demand badhegi. एनर्जी का मतलब दो तरफ से होता है. एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, और दूसरा तरफ एनर्जी का मतलब है कि आपका हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलरली जैसे आप व्हीकल यूज करते हैं वहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो इन दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी हमारी लगती है, लेकिन वी नीड एनर्जी एज अ होल. तो विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो हर गवर्नमेंट इस एनर्जी के ऊपर काम कर रही है. जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी भी एक्सप्लोर कर रही है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोल एनर्जी को भी देख रही है, पेट्रोलियम को भी, हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब हम लोग भाग रहे हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले एनर्जी फोकस था, अब ग्रीन एनर्जी फोकस है. ग्रीन एनर्जी के अर्थ को समझिए. ग्रीन एनर्जी का मतलब है वह एनर्जी जो हमारे वातावरण को, जो हमारे एटमोसफेयर को, एनवायरमेंट पे नेगेटिव फुटप्रिंट्स या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स ना क्रिएट करे. इसका अर्थ है जैसे हमने इतने सालों से कोयला जलाया है, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग करी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कुड सी कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं हमारे समक्ष आई हैं. हमारे समक्ष एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे हम लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है. क्यों? व्हीकल इतने सारे हैं, इंडस्ट्रीज हैं सारे तरफ चारों ओर. तो मींस आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी. आप छोटे शहर देख लो, जयपुर देख लो, कानपुर देख लो, लखनऊ देख लो, इन शहरों के बुरे हाल हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल या इंक्रीज इन द व्हीकुलर एमिशन. आप अमृतसर का एग्जाम्पल ले लो, जलंधर, लुधियाना, वेरी पॉल्यूटेड सिटीज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तो आप हिल स्टेशन में जाओ, कभी आप शिमला के अंदर देखो कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बल्कि शिमला में इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन गाड़ियां तो चल रही हैं, डीजल गाड़ियां चल रही हैं, डीजल की बसेस चल रही हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल विटनेस कि हमारे हिली एरियाज के अंदर भी एमिशन के कारण, व्हीकुलर एमिशन के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है. और हमने, अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करो, तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल किया, हमने पेरिस अकॉर्ड किया, और वहां पे हमने ये कमिटमेंट ली एज अ नेशन, एज अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया विच इज कंज्यूमिंग थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना, बिकॉज वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अगर एमिशन लेवल भी देखा जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा या चाहे वो व्हीकल की वजह से होगा, वो भी बहुत ज्यादा होगा. तो हमारा पॉल्यूशन के अंदर भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो इंडिया जैसी कंट्री को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच होने की जरूरत है. तो ग्रीन एनर्जी का हमारा अर्थ क्या है? ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, साथ ही साथ क्लीन एनर्जी को यूज करें जिसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी. ऐसे ही हमने एक नई प्रकार की एनर्जी खोजी है, हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोजन पॉलिसी आई, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या थी. जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वी नीड क्लीन एनर्जी, वी नीड ग्रीन एनर्जी. तो वहां पे हमारी हाइड्रोजन एनर्जी एंटर करती है, हाइड्रोजन पॉलिसी इसी को ही एड्रेस कर रही है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी की तरह यूज नहीं कर रहे, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव इज नॉट एनर्जी. इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे, पहले आप देखिए कि इसके अराउंड समस्याएं क्या हैं. अगर आप पिछले एक हफ्ते के अखबारों को देखोगे तो काफी सारे अखबारों ने, ऑलमोस्ट सारे ही अखबारों में, चाहे वो लाइव मिंट हो, चाहे वो द हिंदू हो, द एक्सप्रेस हो और द वायर हो, सभी ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसलिए हमारे पेपर परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो
इतनी पॉलिसी की जरूरत क्यों है? सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन, जहां जो हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन नॉट एज अ फ्यूल है। यहां पे जो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हम प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं जिससे कंपनीज एक फाइनल प्रोडक्ट बना रही है। प्रोसेस का क्या अर्थ है? जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं, कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल बना रही हैं, डीजल बना रही हैं, वैसलीन बना रही हैं और लुब्रिकेंट्स बना रही हैं, वैक्स बना रही हैं। तो एक ही रिफाइनरी के अंदर इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फर्टिलाइजर प्लांट्स फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टील प्लांट्स स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आयरन ओर से। तो इन सारी प्रोसेसिंग में दे नीड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए इनको ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है इन सारे प्रोसेसेस के अंदर। अब जब इनको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी तो इन्होंने सोचा हाइड्रोजन हम कहां से लें। हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कोयला एक हाइड्रोकार्बन है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पता है, मीथेन के अंदर हाइड्रोजन है, ऐसे ही जो हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन आपके पेट्रोलियम के अंदर भी हैं, नेचुरल गैस के अंदर भी हैं, कोयले के अंदर भी हैं। तो जब हमें केवल हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम एक प्रोसेस करते हैं, इनको जलाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन को बाहर खींच लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें या तो कोयला जलाना पड़ता है हाइड्रोजन निकालने के लिए, या हमें आजकल नेचुरल गैस को जला के हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं। तो इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? इनके अंदर प्रॉब्लम है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करेंगे अगर ऐसा कर रहे हैं। तो मींस आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है ऑयल रिफाइनरीज, अगर मैंने यहां शब्द इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर यहां शब्द इस्तेमाल किया, स्टील यहां शब्द इस्तेमाल किया, इन तीनों ही इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बहुत हाई होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हिंदुस्तान जैसे नेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑयल रिफाइनरीज बहुत ज्यादा फ्लरिश करेंगी। क्यों? क्योंकि ऑयल की डिमांड बढ़ रही है तो हम रिफाइनिंग ज्यादा कर रहे हैं। जैसे गुजरात के अंदर हमारा एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट है रिलायंस का। तो इस तरह से ऑयल रिफाइनरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हम लगातार ऑयल की कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। क्यों? पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, डिमांड ऑफ द एनर्जीज इज इंक्रीजिंग। इसलिए इन फ्यूचर हम और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम और ज्यादा कोयले को जलाएंगे, और ज्यादा नेचुरल गैस को जलाएंगे। मींस हम वातावरण को उतना ज्यादा और नुकसान करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम अवर डिमांड फॉर हाइड्रोजन विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज अवर डिमांड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली क्योंकि हमारा हाइड्रोजन की डिमांड है तो हमें हाइड्रोकार्बन बर्निंग करनी पड़ेगी हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए। तो दो प्रकार की हाइड्रोजन होती है, एक होती है जी ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं, मैंने इस स्लाइड के लास्ट में भी दिया है और इसी से जुड़े नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी पोस्टेड है, तो नोट्स को अवश्य पढ़े। तो यहां पे हम देखते हैं जो आपका नेचुरल गैस है ये ग्रे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, नाम दे रखा है। आपका जो कोयला है वो ब्राउन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो ग्रे हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल गैस, ब्राउन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर कोल। तो इन दोनों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंट पे इंपैक्ट डालते हुए। सरकार कहती है तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों नहीं तुम ग्रीन एनर्जी यूज करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हो? तो लोग कहते हैं ये ग्रीन एनर्जी से प्रोडक्शन कैसे होती है? तो गवर्नमेंट कहती है भाई एक प्रोसेस होता है जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ये कहता है क्यों तुम ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन के पीछे भागते हो? तो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही ब्राउन और ग्रे हाइड्रोकार्बन। गवर्नमेंट कहती है आप इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हो और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो गवर्नमेंट इसको डीप्रमोट कर रही है, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट कहती है आप ग्रीन हाइड्रोजन यूज करो। तो सारी इंडस्ट्रीज पूछती हैं व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। गवर्नमेंट कहती है यार सिंपल फंडा है, आप वाटर में से हाइड्रोजन को अलग कर लो और OH को अलग कर लो, तो इस तरह से जो ये हाइड्रोजन आया इसको आप ग्रीन हाइड्रोजन बोलोगे और इस ग्रीन हाइड्रोजन को आप अपनी इंडस्ट्रीज में यूज कर लो, रिफाइनरीज में यूज कर लो, स्टील प्लांट्स में यूज कर लो, या फर्टिलाइजर बनाते हुए इस्तेमाल करो। तो इंडस्ट्रीज कहती है अगर हम ये प्रोसेस भी करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल प्रोसेस है, पहले भी हमने पढ़ा एनोड एंड कैथोड बना के आप हाइड्रोजन को अलग कर दो। कहते हैं इस प्रोसेस में भी तो आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। तो गवर्नमेंट कहती है तो क्या दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। तो वो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग से भी तो कोयला ही बर्न करोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो बात तो घुमा फिरा के वहीं आ गई। तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल यूज करो, रेदर देन फॉसिल बेस्ड एनर्जी आप रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी को यूज करो। आप एक काम करो सोलर पावर प्लांट से एनर्जी को परचेज करो,
गवर्नमेंट किसको बोले, लेट सपोज IOCL एक कंपनी है जो पेट्रोलियम को रिफाइन करती है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये कंपनीज पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कंपनीज को कहती है आप एक काम करो, आपको रिफाइनरी में इस्तेमाल की, आपको रिफाइनरी में हाइड्रोजन की जरूरत है, आप एक काम कीजिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाइए। ये कंपनी कहती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाने के लिए फिर बिजली चाहिए होगी, बिजली मींस कोयले की बर्निंग, बात घुमा फिरा के वही है। गवर्नमेंट कहती है रुको एक मिनट, आप क्या करो कोयले से बिजली मत बनाओ, आप सोलर पावर प्लांट से बिजली बनाओ। तो इंडियन ऑयल कहती है कि भाई मेरी रिफाइनरी तो भटिंडा में है, मेरी रिफाइनरी तो पानीपत में है, मथुरा में है, या मेरी रिफाइनरी पटना में है, मैं वहां पे सोलर पावर प्लांट कहां से लगाऊंगा। गवर्नमेंट कहती है राजस्थान में इतने बड़े बड़े मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए, उनसे एनर्जी परचेज करो। तो वो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर हम वहां से ट्रांसमिट करके एनर्जी को मंगवाते हैं इतनी दूर, उसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट इतनी ज्यादा है, जो हाइड्रोजन ग्रे और ब्राउन हाइड्रोजन हमें 150 पर केजी मिलती है, इस तरह से प्रोड्यूस हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन और जिसमें ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो, ये तो 500 रुपए पर केजी है। वो कहते हैं हमारे तो प्रॉफिट में मार्जिन्स खत्म हो जाएंगे, ये तो मोर देन 3 times है, नियरली 3.5 times है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस मच कॉस्टली हाइड्रोजन। तो वो कहते हैं वे आउट, तो गवर्नमेंट को पुश कर रही है इंडस्ट्रीज। देखो ऐसे ही सिविल सोसाइटी पुश कर करके एक पॉलिसी ड्राफ्ट करवाती है, हर प्रकार की सिविल सोसाइटी अपने लिए कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करवाती है। लेट सपोज एक सिविल सोसाइटी है जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है, तो उसने प्रेशर क्रिएट कर करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट करवाई। ऐसे ही एक सिविल सोसाइटी है जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो वो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम क्रिएट कराएंगी। ऐसे ही एक सिविल सोसाइटी है हमारी इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज को हाइड्रोकार्बन की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है, तो वो एक पॉलिसी ड्राफ्ट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, गवर्नमेंट को एक फीडबैक दिया कि आप जिस तरीके से हमें बोल रहे हैं हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो तरीका बहुत महंगा है, उससे हाइड्रोजन 500 पर केजी का निकलता है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस मच ऑफ हाइड्रोजन। गवर्नमेंट कहती है दिक्कत क्या है, वो कहते हैं एनर्जी तो सस्ती है, हाइड्रोजन सोलर एनर्जी सस्ती है, रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती है, लेकिन राजस्थान से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करवा के आप बंगाल ले जा रहे हो, बिहार ले जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट ले जा रहे हो, आप ट्रांसमिशन का इतना पैसा, आप मींस गवर्नमेंट ही तो लेती है, सारी ट्रांसमिशन लाइंस गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करते हैं, आपको एक रिबेट दे देते हैं, हम आपसे ट्रांसमिशन का पैसा नहीं लेंगे। अगर हम ट्रांसमिशन का पैसा नहीं लेंगे तब तो ठीक है, वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, जो एनर्जी 2 रुपए में यहाँ प्रोड्यूस होती है फिर वो 3 रुपए की हमें मिल जाएगी, अदरवाइज वो 10 रुपए की मिल रही है आफ्टर ट्रांसमिशन, तो मींस ट्रांसमिशन चार्जेस आर वेरी हाई। तो दिस हैंड आप ध्यान से सुना, दिस हाइड्रोजन पॉलिसी इज एड्रेसिंग द ट्रांसमिशन चार्जेस। ये कह रही है क्योंकि ट्रांसमिशन चार्जेस बहुत हाई है, जिसकी वजह से कंपनी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही, तो हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। हम उनको ये नहीं कह रहे कि आप कोल बेस्ड एनर्जी को यूज करो, हम कह रहे हैं सोलर को ही यूज करो, ग्रीन एनर्जी को यूज करो, हम ट्रांसमिशन का पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स को कर रही है, गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी बनाने का प्रयास कर रही है। तो मींस गवर्नमेंट ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, अब एक बात ध्यान से सुनना, एनवायरनमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण है एनर्जी की, जितनी हमारी, अगर हम बिजली बनाते तो कोयला जला देते, हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पेट्रोलियम की बर्निंग करते हैं, नेचुरल गैसेस की बर्निंग करते हैं, तो इन सबसे ही आपका वातावरण अशुद्ध हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच हो जाएं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, हाइड्रोकार्बन फ्यूल बेस्ड एनर्जी को प्रोड्यूस करनी बंद कर दें, तो हम अपने वातावरण, एनवायरनमेंट और अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं। तो अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट होगा वो मेजरली एनर्जी सेक्टर के ऊपर होगा। एनर्जी सेक्टर को एड्रेस किए बिना आप ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी टारगेट लेगी तो वो टारगेट एनर्जी सेक्टर का होगा। दूसरी बात है, गवर्नमेंट बोलेगी जरूर कि आप जो है पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, तो वो सेकेंडरी मेजर है, वो लॉन्ग टर्म मेजर है, लेकिन एनर्जी सेक्टर को भी एड्रेस करेगी। तो दिस इज द थिंग। तो कभी भी ग्रीन, अगर ग्लोबल वार्मिंग के आपको सोल्यूशन लिखने हैं, ऑलवेज टारगेट एनर्जी सेक्टर, और वहां पे अलग अलग लेवल पे, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि हाइड्रोकार्बन बर्निंग की वजह से, हाइड्रोजन क्रिएट करने की वजह से बहुत सारा हाइड्रोकार्बन बर्न करना पड़ता है, तो क्यों नहीं ये हाइड्रोजन को क्रिएट करने की प्रक्रिया को आप ग्रीन एनर्जी में स्विच कर लो। तो मींस हमें नए नए इनोवेटिव मेथड्स निकालने पड़ेंगे ताकि हम अपने वातावरण को बचा पाए।
दिस वॉज दी होल प्रोग्राम होल गैमिट ऑफ दिस हाइड्रोजन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। क्लियर है? सिंपल वर्ड में बताया, डिटेल पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर्ड है, आप उसको पढ़िए, आपको बहुत सरलता से समझ आएगा। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बोलती है, द रिन्यूएबल एनर्जी यूज्ड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन गेट्स ओपन एक्सेस। कहता है जो ग्रीन एनर्जी की जरूरत थी इंडियन ऑयल को, IOCL को, HCL को, BPL को, उसको हम बिना सरचार्ज लिए, जीरो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लिए 25 सालों तक देते रहेंगे, 25 सालों तक हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो मींस गवर्नमेंट ने ट्रांसमिशन, द की इज ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया, ट्रांसमिशन चार्जेस को जीरो कर दिया, ताकि इंडस्ट्रीज को सस्ते दामों पर ग्रीन एनर्जी उपलब्ध हो पाए, रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध हो पाए। तो इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं, बहुत अच्छा काम किया, इससे हमारी 40-50% की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में पैसा लग रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत, वो इतना कॉस्टली इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्रांसमिशन चार्जेस वर वेरी हाई। तो दिस इज हाउ इंडस्ट्रीज हैज रिवर्टेड टू दिस पॉलिसी। ऑलराइट, तो लास्ट में एक प्रीलिम्स के लिए हम चीज देख लेते हैं। ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है कोयले से, ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस से, ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस से ही होती है, लेकिन इस केस में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है हम उसको ट्रीट करके, जो जितना भी पोल्यूशन है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, उनको ट्रीट करके वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके वजह से पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन अगेन इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो ग्रीन एनर्जी नहीं होती। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन वो है जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत हाइड्रोजन क्रिएट होती है, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए जो बिजली है वो बिजली ग्रीन एनर्जी होती है, वो बिजली रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी होती है। तो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन, ये प्रीलिम्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो हियर वी आर डन विद अ टॉपिक दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। थैंक्स अ लॉट।